भी के क्रॉस हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए ये सर्किट है, इसको अच्छे से स्टडी करें। अब यहाँ पर ये आता है कि दिस विल नॉट बी ए सुडो जंक्शन, ये जंक्शन दिस विल बी ए सुडो जंक्शन। तो जब ये सुडो जंक्शन होगा तो दो पॉसिबिलिटी होती है कि इसको कैसे ब्रेक करेंगे हम, राइट। जब ये सुडो जंक्शन होगा तो दो पॉसिबिलिटी होगी, एक होगी कि इधर से ऐसे ब्रेक करते हैं, इधर से ऐसे, और दूसरा होगा कि ऊपर ऊपर नीचे नीचे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास कंफ्यूजन क्या है कि दो पॉसिबिलिटी है कि एक तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर सुडो जंक्शन इस तरह से बनाए ऐसे, और दूसरा ये होगा कि यहाँ से ऐसे सुडो जंक्शन हम बनाए। तो आप ये सोच सकते हैं कि कौन सा होगा, ये होगा कि ये होगा। अब देखिए अगर यहाँ से करंट ऐसे चली यहाँ पर, फिर मुड़ करके ऐसे आएगी ऐसे पर, सेम पोटेंशियल पर करंट आ रही है अल्टीमेटली, तो ये तो कोई है नहीं, जब लोअर पोटेंशियल का पॉइंट ऑलरेडी भी मौजूद है तो इधर से करंट आने का कोई मतलब नहीं है, और इसलिए करंट हमेशा ए से बी पर जाएगी, ए से बी की तरफ जाएगी, इसलिए हमारा ये वाला जो अपर पार्ट है ये नहीं होगा, होगा क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये होगा। अब देखिए ए बी के क्रॉस इसको वर्बली करने की कोशिश कीजिए, ये क्या हो गया 5 ओम पैरेलल टू 5, कितना हो जाएगा 10 ओम, 10 ओम पैरेलल 10, सॉरी 5 इन सीरीज विद 5 है तो 5 10 पैरेलल 10, कितना हो जाएगा 10/2 दैट इज 5, ये अपर आर्म 5 हो गया और ये लोअर आर्म भी 5 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, दो पैरेलल ब्रांचेज होंगे किसके, एबी के दो पैरेलल ब्रांचेज होंगे। देखिए एबी के क्रॉस, देयरफॉर हम सीधे लिख सकते हैं कि दिस आर ए बी विल बी इक्वल टू दो पैरेलल ब्रांचेज, ये देखिए ये 5 10 बाई 2, ये 5 हो गया और ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 5 यानी 25, यानी 5 पैरेलल 25, तो 25 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 5 30, और 30 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 6, राइट। तो ये हो गया 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर हो गया कितना 25 बाई 6, आंसर ऑफ दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 25 बाई 6, तो दिस विल बी द आंसर।